इस सिरप का उपयोग बच्चों में निमोनिया हो जाने पर उपयोग किया जाता है, या गले में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तब किया जाता है, टाइफाइड बुखार की समस्या में किया जाता है, कान आँख में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका उपयोग किया जाता है। चलिए जान लेते हैं सिफोडॉक्सिम ओरल सस्पेंशन का उपयोग बच्चों में क्या दिक्कत क्या परेशानी रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, बच्चे को कौन सी दिक्कत कौन सी परेशानी रहने पर ये ओरल सस्पेंशन दिया जाता है, इस ओरल सस्पेंशन का उपयोग कहाँ किस प्रकार की समस्या में किया जाता है, कौन कौन सी बीमारी कौन कौन सी समस्याओं में इस ओरल सस्पेंशन डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, इसका डोज क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, ये पूरा जानकारी आज हम आपको हिंदी में देंगे। इस सिरप का उपयोग बच्चों में जब निमोनिया हो जाता है, यानी बच्चों में अगर लंग से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो जाती है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है निमोनिया की कंडीशन में। टाइफाइड बुखार की समस्या में इस सिरप का उपयोग करने के लिए बच्चों में दिया जाता है, जब बच्चों को टाइफाइड बुखार हो जाता है या कॉमन कोल्ड की समस्या रहता है तब भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है बच्चों में। जैसे कि अगर बच्चे के कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि कान में फोड़ा फुंसी हो गया है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं नाक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, या फिर नाक में किसी प्रकार का फोड़ा फुंसी हो गया है, तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है। या फिर बच्चे के गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है। टॉन्सिलाइटिस की समस्या में इस सिरप का उपयोग करने के लिए बच्चों को दिया जाता है, जब बच्चों के गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब। साइनोसाइटिस यानी अगर नाक के आसपास में किसी प्रकार की समस्या हो गई हो या फिर नाक के आसपास में किसी प्रकार का दर्द हो रहा है तब डॉक्टर के द्वारा ये ओरल सस्पेंशन बच्चों में दिया जाता है। टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस की समस्या में ये सिरप उपयोग किया जाता है छोटे बच्चों के जब गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब। जैसे कि अगर किसी बच्चे के कान में पस आ रहा हो या फिर सूजन हो गया हो या फिर फोड़ा फुंसी हो गया हो कान के अंदर, वहाँ पर रेडनेस सा है और दर्द होता है वो ठीक नहीं होता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये ओरल सस्पेंशन दिया जाता है जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। जैसे कि निमोनिया की कंडीशन में लंग्स से संबंधित बीमारी, जैसे कि लंग्स में पानी भर जाना, बहुत तेज से खांसी आना, तो इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये ओरल सस्पेंशन दिया जाता है। और जैसे कि बच्चों में यूटीआई की समस्या में इस सिरप का उपयोग करने के लिए दिया जाता है छोटे बच्चों में, जैसे कि पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब ना होना, पेशाब चिलिक चिलिक के दर्द होना, छोटे बच्चों में ये समस्या देखा गया है, तो इन सारी समस्याओं में ये सिरप दिया जाता है। जैसे कि बच्चे के पेशाब में जलन होना, दर्द होना, तो इन सारी समस्याओं में ये सिरप का उपयोग करने के लिए दिया जाता है। यदि किसी बच्चे के स्किन पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है, या फिर किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया हो स्किन पर, वहां पर रेडनेस आ गया है, स्वेलिंग सा हो गया है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है। या फिर किसी के आंख में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, छोटे बच्चों के अगर आंख में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है। लंग्स की समस्या में इस सिरप का उपयोग किया जाता है, जब बच्चों में लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है। और जैसे कि आँख में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है छोटे बच्चों में तब ये सिरप दिया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है। और जैसे कि थ्रॉइड इन्फेक्शन, छोटे बच्चों के गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है। और जैसे कि स्किन यानी त्वचा पर किसी प्रकार का समस्या हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दिया जाता है। माउथ में यानी मुँह में किसी प्रकार का हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप छोटे बच्चों में दिया जाता है। यूटीआई यानी मूत्र मार्ग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है छोटे बच्चों में तब ये सिरप दिया जाता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के डोज के बारे में बताते हैं। जैसे कि जो इस सिरप का डोज होता है ये डॉक्टर बच्चे की स्थिति और उसकी बीमारी और उसके कंडीशन को देखते हुए निर्धारित करके देते हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चा जैसे कि 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में होता है तब उसे डॉक्टर के द्वारा 2.5 ml दिया जाता है। अगर बच्चा 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में होता है तब उसे 4 ml दिया जाता है। इसके अलावा और भी इसका डोज घटा बढ़ा करके बच्चे की स्थिति और उसकी समस्या को देखते हुए डॉक्टर देते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो अपने नजदीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करके दवा लें। कोई भी इंजेक्शन कोई भी दवा आप अपनी मर्जी से ना लें।